आइए वो चीज देखते हैं। सबसे पहला सोना देखते हैं। जैसे कि सोना और चांदी ये हमेशा के से करेंसी की शक्ल में भी इस्तेमाल होते रहे इंसानियत, और मैं समझता हूँ पिछले 100 साल पहले तक इस्तेमाल होते थे, ठीक है, लास्ट 100 ईयर्स में भी आप देखें इंडिया में भी इस्तेमाल होते थे सोना और चांदी, या फिर जितनी करेंसी पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आज चलती है वो सारी की सारी इन पे डिपेंड है। आज भी सोने और चांदी से भाव तय होते करेंसीज के, ठीक है, मतलब $1 बोले तो कितने आउंस गोल्ड उसके पीछे 3.5 आउंस कुछ गोल्ड होता है उसके पीछे लगाओ। बोलते हैं ऐसा, अब तो नहीं होता है, बोलते ऐसा होता था किसी जमाने में, बहरा लेकिन करेंसी कहीं ना कहीं आज भी गोल्ड और सिल्वर से तय होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में गोल्ड और सिल्वर में वेरिएशन कम था, उतना नहीं था जितना आज है। आज हमारे जमाने में गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज्यादा वेरिएशन, इतना वेरिएशन है कि 1 तोला सोना में 0.5 किलो चांदी आ जाता है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था, बहुत कम था, इतना तो नहीं था कम से कम कि बिल्कुल कि 2 तोले मतलब 20 ग्राम सोने में आज 1 किलो चांदी आ सकती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मत लीजिए मेरी बातों को, आप जिस इलाके में रहते हैं वहां से रेट कंफर्म कर लें उसका, ठीक है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब सोने की जकात कैसे देते हैं, तो सोने की जकात याद रखिए, सोना अगर आपके पास 7.5 तोला, 7.5 तोला ये जिस जमाने की हम बात करें उस जमाने के तोला और क्वांटिटीज बहुत डिफरेंट थी जो मापी जाती थी उस जमाने के एतबार से, आज के एतबार से उस जमाने के तोले को जो कि 11.33 या 11.66 के बीच के रेंज में हुआ करता था, मतलब 11.33 से लेकर 11.66 के बीच में उसका वेट हुआ करता था, और तोला को प्रिसाइस वेट नहीं था बल्कि कुछ चीजें कुछ झाड़ के पत्ते था, कैरेट, कैरेट नाम है, कैरेट, कैरेट एक्चुअली झाड़ के बीज होते हैं, झाड़ के बीज होते, लेकिन वो बीज इतने एग्जैक्ट साइज के होते और इतने एग्जैक्ट वेट के होते थे कि उससे सोने और चांदी और डायमंड्स को मापा जाता था। आज भी डायमंड को कैरेट मापा जाता है, सोना चांदी को 22 कैरेट 24 कैरेट, डायमंड का भी कैरेट क्लियरिटी है ना, डायमंड की सी 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 जो डायमंड लेते हैं उनको मालूम है क्लियरिटी कैरेट एंड कट 3 C होते डायमंड के अंदर, जिससे एक डायमंड की वैल्यू होती है। तो वो कैरेट एक वेट होता था जो एक झाड़ का बीज होता था जो बहुत एग्जैक्ट साइज का होता था, वेट चेंज नहीं होता था, ठीक। तो बहरहाल उस जमाने में मतलब ये रफ मेजर्स थे, प्रिसाइसली जो हमारा आजकल की क्वांटिटी है ना मिलीमीटर जैसे जिसको बोलेंगे मिलीग्राम, ये बहुत प्रिसाइस क्वांटिटीज है, याद रखिए ये जो मिली एमएम से जो शुरू होता है जो मामला ये एमजी से शुरू होता है ना, बहुत प्रिसाइस क्वांटिटी है, बहुत डिफाइंड वे में इसको मापा जाता है तोला जाता है, ठीक है, वैसा नहीं था। तो ये रफ क्वांटिटी होती थी, तो जो कि अलग अलग किताबों में आप अलग अलग पाएंगे जो कि 11.33 से लेकर 11.66 के बीच के रेंज में होते हैं, बल्कि हिंदुस्तान का तोला तो 12 ग्राम का होता था, वो भी रफली मतलब 11 से ज्यादा और 12 से कम, 12 ग्राम का होता था, लेकिन आज का तोला कितने का होता है 10 ग्राम का होता है, मतलब वो रफ चूंकि 12 11 होता था उसको जब ग्राम का क्वांटिटी आई तो उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया गया, समझ रहे हैं बात को। तो लिहाजा आपको इसमें अलग अलग फिगर्स मिलेंगे, लेकिन जो सबसे लोएस्ट फिगर है वो 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड अगर आपके पास है, मतलब आज के जमाने का 8.5 तोला उस जमाने का 7.5 तोला, ठीक है, तो अगर 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड या उससे ज्यादा है तो पूरे 85 पे भी जकात है और उससे ज्यादा पर भी जकात है, ये बात याद रखें, तो आप समझेंगे 85 फ्री और फिर 86 87 जो भी उसकी बात करेंगे, नहीं, अगर 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आपके पास है तो पूरे पिछले पे भी लगेगा और इससे ज्यादा है तो इसके अगले पे भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 80 ग्राम्स ऑफ गोल्ड मतलब 8 तोले आज के जमाने का, तो मेरे पे कोई जकात नहीं, लेकिन अगर मेरे पास 9 तोले है तो कितने पे जकात है, पूरे 9 पर है, मतलब 8.5 भी इंक्लूड और 5 भी, ऐसा आप समझेंगे 8.5 छोड़ दो 85 ग्राम और 5 ग्राम पे, तो नहीं पूरे पर देना है आपको, इस बात को आपको जहन में रखना है, याद रखें, ठीक है। इसके ताल्लुक से जो रिवायत आती है इब्ने माजा की हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहुमा और आयशा रज़ियल्लाहा दोनों से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर 20 दीनार या इससे ज्यादा पर निस्फ दीनार, हर 20 दीनार या उससे ज्यादा दीनार पर निस्फ दीनार सोने का करेंसी होती थी, 20 दीनार या उससे ज्यादा दीनार पर निस्फ करेंसी, ठीक है, निस्फ दीनार मतलब 40वां हिस्सा ज़कात लेते थे, और हर 40 दीनार पर 1 दीनार ज़कात मतलब 40वां हिस्सा लेना है, और 40वां हिस्सा 100 का लगाए तो कितना होता 2. आज परसेंटेज का जमाना तो परसेंटेज ही आप समझिए 2.5% दिया करते, मतलब 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एंड मोर अगर आपके पास है तो पूरे का आप रेट निकालेंगे। आज का रेट क्या चल रहा है 27,000 28,000 29,000 22 कैरेट 23 कैरेट 916 KDM, ठीक है, जो भी आपका गोल्ड की वैल्यू है उसकी वैल्यू मार्केट से आप कंफर्म कीजिए कि आज क्या तोला है, 30,000 33,000 35,000 बढ़ता रहता है वो निकालिए, 8 तोले का कितना हो रहा मल्टीप्लाई बाय 30,000, अगर 30,000 240,000 आपका एक एस्टिमेट आ रहा है उसको आप क्या करेंगे फिर 2.5% का निकाल देंगे, मतलब हर
जिसको कहेंगे 100 रुपये पर 2.5 रुपया, 1000 रुपये पर 25 रुपया, 1 लाख पर 2500 रुपये, 1 करोड़ पर 2.5 लाख रुपया। ठीक, बहुत कम है, याद रखिए बहुत कम है। ठीक, तो ये देना है, याद रखिए। ठीक है, अब याद रखिए, दीनार सोने का था और 20 दीनार का वजन 7.5 तोले उस जमाने में हुआ करता था, उसी से क्वांटिटी हम लगा रहे हैं, जो कि तोला अलग क्वांटिटी था। इसी तरह जकात सोना या सोने की कीमत दोनों सूरत में देना जायज है। मतलब जकात या तो आप मिसाल के तौर पे, मेरा गोल्ड था 100 ग्राम, मतलब 10 तोला, अब मेरे को जकात देना है तो बस कैश नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसी में से 2.5% सोना निकाल लूंगा। मतलब 2.5 ग्राम, मेरे पास 100 ग्राम गोल्ड है, 2.5 ग्राम गोल्ड निकाल के जकात दे दूंगा, या फिर 2.5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की वैल्यू क्या होती है वो निकाल के दे दूंगा, दोनों भी चलेगा, समझ गया। अच्छा, ये मसला मैं क्यों रख रहा हूँ, बहुत सारी औरतें होती है बोलती है हमारे शोहर जकात नहीं देते, हमारे जेवरात की, बोलते तुम दो। अब हम तो कमाते नहीं ना फैज भी, हम कहाँ से देंगे, हम बराबर आप नहीं कमाते तो आप कैसे देंगे फिर जकात, सोने की जकात सोने से देंगे आप तो सोना कम होते जाएंगे, हाँ कम हो जाएगा, जाहिर सी बात, दो दो 100 ग्राम आपके पास है, शोहर नहीं देता जकात, जाओ बाली बेचो, ये बाली निकालो 2.5 ग्राम की अगर होंगी तो निकालो उसको, या तो बाली पूरी की पूरी दे दो या तो उसको तोड़ कुछ निकालना। इंशाल्लाह जब आप ये करेंगे तो शोहर जरूर आपकी इंशाल्लाह जकात दे देंगे। ठीक है, वैसे शोहर बीवी की जकात दे सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ना दे भाई, तुम्हारे खानदान से जेवर तुमने लेके आया, तुमको विरासत में मिला, मैं तो कुछ जकात दू हर साल उसकी 2.5%, मैं खुद कमा के परेशान है। कभी होता है ना, बीवी अमीर होती है शोहर गरीब होता है ऐसा, कई सहाबा का मामला देखिए, कई सहाबियत का मामला देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज का मामला देखिए, सारों के स्टेटस माली अलग अलग थे, कोई बहुत अमीर था और कोई गरीब था। हजरत सफिया बहुत अमीर थी, हजरत आयशा जन उसके मुकाबले में माली तरह से कम थी, हजरत सौदा रजन मालदार थी, उनका खुद का बिजनेस था, लेदर मर्चेंट थी। ठीक, तो वो बहुत मालदार थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर जाते तो पलंग हुआ करता, उस पर लेटते, हजरत आयशा के पास आते तो चटाई होती उस पर लेटा करते, स्टेटस सबका अलग अलग था, है ना, माली हो सकता है तो बीवी कभी कभी मालदार हो सकती है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह उनकी बीवी जो थी मालदार खातून, और अब्दुल्ला इब्ने मसूद बिल्कुल एक जमाना आया कि बहुत गरीब हो गए, वो आई और आकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई बीवी अपने शौहर को जकात दे सकती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा दे सकती है, तो इन्होंने फिर अपनी जकात निकाल के अपने शौहर को दे दी। लेकिन शौहर अपनी बीवी को जकात नहीं दे सकता, इसलिए कि शौहर की जिम्मेदारी है बीवी, बीवी की जिम्मेदारी नहीं है शौहर, ये बात याद रखिए। दी बीवियां हो सकती है, ठीक है, तो लिहाजा अगर आपके शौहर बोलते भाई आपने अब्बा के पास से इतना ला लिया माशाल्लाह, विरासत में इतना मिल गया आपको, मैं इतनी तो पूरी तनख्वाह चल जाएंगे इसमें साल भर की, इतना माशाल्लाह आपका, मतलब एक प्लॉट था जो बेचने की नियत से वालिद ने लिया था, विरासत में आ गया आप बीवी को, अब इनकी भी नियत बेचने की, अब 1 करोड़ रुपये का प्लॉट है, शौहर की इनकम पूरी साल की 1.5 लाख है, 2.5 लाख तो उसमें सिर्फ जकात बैठेंगे, बोलेंगे भैया मैं तो नहीं दे सकता, जो करना है करो, तो क्या करना पड़ेगा फिर, प्लॉट में से 2.5 लाख का प्लॉट निकाल के बेचना पड़ेगा, जेवर में से 2.5 ग्राम का सोना या तो कैश दो या तो सोना निकाल के देना, या सोना ही दे दो या तो सोने के बदले तोड़ के कैश दो, करना पड़ेगा, ये बात याद रखें। उस जमाने में सोने की जगह सोने से, चांदी की जगह चांदी से, अनाज की जगह अनाज से निकाली जाती है। आज क्योंकि करेंसी मुतबादिल है, करेंसी जो है एक बीच मेडिटर है, तो आप इसके जरिए भी चुका सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, सोने की कीमत का अंदाजा मौजूदा वक्त के मुताबिक लगाकर दिया जाएगा, सोने का चांदी का तमाम चीजों का अंदाजा उस वक्त के हिसाब से लगाया जाएगा। हमारे पास बहुत ज्यादा होशियार चंद लोग रहते हैं, होशियार चंद की होशियारी कैसे थे देखिए, एक साहब मुझे कहने लगे मेरी जकात जो है कुछ 450 या 500 रुपये जकात में दे रहे हो। मैंने कहा यार ये आदमी यूनाइटेड स्टेट्स में रहता, 450 से 500 रुपये जकात, मतलब यकीन तो नहीं कर सकता बट मे भी हो सकता। तो बोले मेरी जकात एक्चुअली निकलती बोले देखिए $450, लेकिन अब मैं इंडिया में चुका देता बोले 500 दे देता बोले। मैंने कहा वाह, अल्लाह से मांग रहा डॉलर्स में और अल्लाह की राह में खर्च कर रहा रुपयों में, वाह 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 वाह, अल्लाह भी तो को रुपयों में ही देंगे थोड़े दिन बाद, डॉलर्स नहीं मिलने वाले। आप देखिए होशियारी, अर्निंग्स डॉलर में है और डॉलर की जकात $450 हो रही और ये बोल रहे कि 50 ज्यादा दे रहा है, इंडियन रुपीज से 500 दे रहा, पैसा पैसा होता बोले चला फिर वहां कर यहीं जा जाऊं मैं। ये सब हीरे बहाने याद रखिए, ठीक है, ये सब को छोड़िए। ठीक, आइए आगे।